सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों देखो भैया, बात ऐसी है कि 2017 खत्म होने वाला है, बस कुछ ही दिनों की बात है, बाद में एंटर कर जाएंगे 2018 में। तो यहाँ पे इस बार भैया मोबाइल फोन हमको देखने को मिले बहुत सारे, एक से बढ़ के एक। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 2017 के फ्लैगशिप फोन के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो सिंपल पॉइंट यहां पर रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये जो वीडियो है ये है सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स के बारे में। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि भैया हर एक प्राइस रेंज में बढ़िया वाला मोबाइल फोन कौन सा है, तो आप मुझे बताना नीचे कमेंट करके, वो वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। दूसरी बात ये कि यहां पे जो मैंने फोन्स की बात करी है वो सिर्फ वही फोन्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। मैंने यहां पे एसेंशियल फोन, रेजर फोन वगैरह की बात नहीं करी है, यहां पे सिर्फ वो फोन जिनको आप इंडिया में ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 2017 में वो टॉप 5 ऐसे कौन से मोबाइल फोन्स थे जिन्होंने मार्केट में धूम मचाई या फिर जिनमें ताकत थी धूम मचाने की, और ऐसे में उनके अंदर भी कुछ कुछ जो कमियां थी या जो उनमें अच्छी बातें थी वो कौन सी थी। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले जो नाम आता है, अगर आपके दिमाग में आता है फ्लैगशिप तो आप सोचते हैं शायद फ्लैगशिप किलर, और यहां पर नाम आ जाता है OnePlus का। तो OnePlus का जो OnePlus 5 था भैया, उसने बहुत ही कमाल किया था, साल के बीच में आया था, क्या कमाल की स्पेसिफिकेशंस थी, जो फोन की प्राइस थी वो भी बहुत ही बढ़िया थी। और इसके बाद जब निकल के आता है OnePlus का 5T, तब तो समझ लो कि और यहां पे कमाल हो गया। जो फोन की प्राइस थी वो बिल्कुल सेम थी, आपको मिल रहा था बढ़िया वाला स्क्रीन, आपको मिल रहे थे यहां पे बढ़िया वाले कैमरास, जो स्पेसिफिकेशंस थी वो भैया एकदम कमाल टॉप नॉच, मतलब आपको 8GB तक रैम मिल रही है जो आपको कोई और सैमसंग वगैरह भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा जो बैटरी लाइफ है वो भी काफी ठीक थी, डिजाइन काफी अच्छा था, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हो गया, फेस अनलॉक भी हो गया। तो OnePlus का जो 5T था वो एक ऐसा फोन था कि उस प्राइस में, इनफैक्ट अभी भी है, कहीं गया नहीं है फोन, कि उस प्राइस में आपको बहुत ही कमाल वैल्यू देता है। लेकिन जो कमी पड़ती है वो ये पड़ती है कि यहां पे यार जो आपको कैमरास मिलते हैं ना वो काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जो बाकी कंपनीज के फ्लैगशिप फोन से उतने अच्छे नहीं है। मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी कि भाई अगर आप कंपेयर करते हैं आईफोन से या फिर अगर आप कंपेयर करते हैं गूगल पिक्सल वगैरह से, तो OnePlus का जो कैमरा है वो इतना अच्छा निकल के नहीं आता, लेकिन उसके अलावा सभी चीजें जो है वो बहुत ही कमाल की है। और आपको उस प्राइस के अंदर OnePlus ने बहुत ही एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड करके दिया है OnePlus 5T की फॉर्म में। भैया इसके बाद में हम आते हैं किसकी तरफ आएंगे, Samsung Note 8। तो जो Samsung का Note 8, और इनफैक्ट अगर उससे पहले की बात करता हूं तो S8 और S8 Plus, या फिर अभी जो रिसेंटली लॉन्च Note 8 है, वो भी भैया बहुत ही कमाल का फ्लैगशिप फोन है। चीजें बहुत उसके अंदर इंटरेस्टिंग है, जो स्क्रीन है वो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसा स्क्रीन जो आज से पहले मैंने कभी किसी फोन में देखा नहीं, बहुत ही कमाल का डिस्प्ले। यहां पे जो फंक्शन है Samsung के वो तो भैया भूल जाओ, मतलब आपको क्या S Pen मिल रहा है, आप जो चाहे वो काम करते रहो। यहां पे ड्यूअल रियर कैमरास मिल रहे हैं, तो कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही कमाल की, आयरिस स्कैनिंग वगैरह है, सब कुछ बढ़िया है। दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत है पहली बात तो ये कि जो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपने घुसा दिया है पीछे कैमरा के साइड में, तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं है। दूसरी बात जो मुझे लगी इस बार Note 8 को यूज करते रहे, वो ये है कि जो फोन की बैटरी लाइफ है ना वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब एक दिन आपका चल जाएगा, लेकिन फिर भी वो मजे वाली बात नहीं आती है। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत 19-20 मामला था, इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसने पूरा मजा खराब कर दिया। अदरवाइज जो Note 8 है वो भी बहुत ही कमाल का फोन था, और कुछ लोगों को शायद ये भी लगे कि यार Samsung का UI है तो इतना थोड़ा सा फोन स्लो है वगैरह वगैरह। हालांकि मैंने जब तक यूज किया Note 8 को बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी अभी डिपेंड करता है कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो पसंद आता है या नहीं। और इसके बाद में अगर आपसे बात करता हूं तो क्या आता है, LG का V30 Plus। हालांकि ये फोन LG की मतलब ना किस्मत सी खराब है, पता नहीं क्या दिमाग में रखते हैं कि फोन को इतना लेट लॉन्च करते हैं, मतलब इंडिया में फोन इतना लेट आया। फोन बहुत ही कमाल है यार, 45,000 रुपए का फोन लॉन्च किया है, टॉप नॉट स्पेसिफिकेशंस हैं, LG जैसा ब्रांड है। यहां पे आपको जो कैमरास मिलते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, एक है भैया पूरा वाइड एंगल वाला, एक है आपको नॉर्मल वाला। जो एपर्चर है वो है f1.6 का, स्क्रीन बहुत ही कमाल है, स्पेसिफिकेशंस बहुत ही अच्छी हैं। यहां पर आपको मिलता है हाईफाई डैक, उसका सपोर्ट, वो उसके बाद में आप जो ऑडियो सुनेंगे वो बहुत ही कमाल होगा। लेकिन फोन को अभी दिसंबर के महीने में लॉन्च करते हैं, साल मतलब खत्म होने को आया है, तो आपने कंपटीशन तो अच्छे से खेला ही नहीं। अगर आप 2 महीने पहले फोन को लिखा था तो शायद और अच्छा होता। तो ये जो फोन है ये भी बहुत अच्छा है, LG का V30 Plus, और ये भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना ही लेता है। इसके बाद में आपसे बात करता हूं तो भैया आईफोन की बात ना हो और हम निकाल दें फ्लैगशिप को, तो हो नहीं सकता। तो यहां पर जो आईफोन 10 है,
कमाल फोन है, डिजाइन के मामले में कमाल फोन है, स्क्रीन बहुत ही अच्छा है, स्पीड के मामले में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। कमियां हैं सिर्फ दो। पहली कमी तो ये है कि भैया जो फोन की प्राइस है वो बहुत ही महंगी लॉन्च करी है, मतलब 90,000 और 1,02,000 रुपए को और बढ़ा दिया है, 2-3,000 रुपए इस फोन की प्राइस बढ़ गई है। पहली बात तो वो कमी है, मतलब इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। जो दूसरी कमी है वो ये है कि यहां पे आपको सिर्फ फेस आईडी मिलता है बायोमेट्रिक्स के मामले में, कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको फिंगरप्रिंट भी मिल रहा है, फेस आईडी भी मिल रहा है। हालांकि मेरे लिए फेस आईडी बढ़िया तरीके से काम करता है, मतलब मैं अगर कभी दूर से भी अनलॉक कर रहा हूं, हल्का सा टेढ़ा करके देख के फोन को अनलॉक कर रहा हूं, सब कुछ काम कर जाएगा। लेकिन फिर भी अगर फिंगरप्रिंट होता साथ में तो एक और अच्छी बात होती। इसके अलावा यहां पे जो फ्रंट कैमरा है ना, मतलब मेरे को मजा नहीं आया। एप्पल के इस आईफोन 10 के फ्रंट कैमरा में मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। यहां पे वो पोर्ट्रेट मोड कहने को है, मतलब इनके पास तो हार्डवेयर है यार, यहां पे तो हार्डवेयर है कि मतलब उससे आपके फेस को ट्रैक करेंगे, बाकी का ब्लर करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं, पोर्ट्रेट मोड में बिल्कुल मजा नहीं आता आईफोन 10 में। और यहाँ पे जो प्राइस है वो ज्यादा है, और यहाँ पे जो फेस आईडी है इकलौता ऑप्शन है। अगर ये 2-3 चीजें निकाल दो ना तो ये फिर मतलब कमाल फोन है, स्पीड के मामले में हो, चाहे डिजाइन के मामले में हो, चाहे कीमत के मामले में हो, तो ये भी लिस्ट में अपनी जगह बना ही लेता है। और उसके बाद में यहाँ पे बात करता हूं मेरे वन ऑफ दी फेवरेट, मतलब पर्सनल फेवरेट फोन के बारे में, जो कि है ये गूगल का पिक्सल 2 XL। मतलब ये जो फोन है ना, इस फोन के आने के बाद में मैंने अपना नोट 8 छोड़ दिया यूज करना, मैं ये यूज कर रहा हूं। ये जो फोन बनाया है गूगल ने, मतलब क्या कमाल फोन बनाया भैया। जो स्क्रीन है उसके अंदर बस कुछ इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे, उनको भी अगर आप निकाल दो, यहाँ पे वो जो शेड आपका हल्का सा ब्लू रहता है टिल्ट करने पे, वो एक इशू है। बाकी वो जो कलर्स थे जो थोड़े से पहले डल थे वो तो एकदम अभी पंची हो गए हैं। लेकिन जो स्पीकर्स हैं क्या कमाल स्पीकर्स हैं, जो कैमरा है क्या कमाल कैमरा है, जो बैटरी लाइफ है एकदम एडिक्वेट है, डिजाइन जो है वो एकदम फ्रेश है, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह, मतलब सब कुछ चीजें। ये जो फोन है लेटेस्ट एंड्रॉइड साथ में, मतलब ये वन ऑफ दी फेवरेट्स है जिसको मैं यूज करता हूं पर्सनली। कमियां लेकिन यहां पे हैं, कमियां ये हैं कि भैया पहले जो फोन की प्राइस थी वो ज्यादा थी, अभी फोन की प्राइस एकदम कम सी हो गई है। तो मतलब पहले अगर एक अच्छी प्राइस पे लॉन्च करते जिसको आप मेंटेन करते शायद और अच्छा होता, वरना पहले फोन को महंगा लॉन्च किया बाद में फोन को कम लॉन्च किया तो उसमें इतना मजा नहीं आता है। दूसरी बात ये जो मैं फील करता हूं कमियां बेसिकली इस आईफोन के अंदर भी और इस पिक्सल में भी, वो ये है कि यार इनमें ना ड्यूअल सिम का सपोर्ट नहीं है, मतलब ये दोनों सिंगल सिम वाले फोन है। अगर आप ड्यूअल सिम लगा दो तो ऐसे में मतलब लोगों को एक और फोन कैरी ना करना पड़े, क्योंकि इंडिया में देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्यूअल सिम यूज करते ही करते हैं, जहां पर उनके पास में दो नंबर होते हैं, चाहे ऑफिस का हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे डेटा का हो, चाहे कॉलिंग का हो, जो भी है। तो ऐसे में अगर ड्यूअल सिम वाला मतलब होता फंक्शन दोनों फोन में तो फोन बड़े कमाल रहते, क्योंकि जो पिक्सल फोन है मतलब इसका जो कैमरा है ना दी बेस्ट, मतलब किसी भी कंडीशन में किसी भी फोन से कंपेयर कर लो, फ्रंट कैमरा रियर कैमरा कुछ भी हो, मेरा पूरा भरोसा रहता है इस पिक्सल 2 XL में। मतलब गूगल ने सॉफ्टवेयर में क्या कमाल काम किया है कि यहां पे जो फोटोज मिलती हैं वो एकदम कमाल मिलती हैं। इसके अलावा स्पीकर्स मेरे को इसके बहुत अच्छे लगते हैं, इसके अलावा जो बैटरी है वो भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सिंगल सिम है और स्क्रीन में वो थोड़ा सा एक इशू है, और उसके अलावा जो प्राइस है वो गूगल होल्ड नहीं कर पा रहा है। ये 2-3 कमियां हैं इस पिक्सल 2 XL के अंदर। दोस्तों मुझे यहां पे उम्मीद है कि देखो भैया 5 फोन का मैंने आपसे नाम लिया था, तो यहां पे 2 तो उनमें से मैं खुद ही यूज कर रहा हूं, ये मेरे पर्सनल डेली जो मैं यूज करता हूं वाले फोन से आईफोन 10 है और ये पिक्सल 2 XL है। इसके अलावा मैं इससे पहले नोट 8 यूज कर चुका हूं करीब 2-3 महीने तक। उसके अलावा वन प्लस को मैंने यूज किया है कुछ टाइम के लिए, LG V30 को हालांकि यूज नहीं किया, लेकिन भरोसा है कि यार वो उस प्राइस के लिए फोन काफी अच्छा होगा। तो ये थी इस साल के टॉप 5 फोन्स की लिस्ट जो कि इंडिया में अवेलेबल है। हर एक के अंदर अपनी कुछ कमियां हैं, अपनी कुछ यहां पे अच्छाइयां हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद में मैं यहां पे अभी एक और वीडियो लेके आने वाला हूं, अगर आपकी डिमांड रहती है कि भैया 5,000 रुपए से लेके एकदम 1,00,000 रुपए तक हर एक प्राइस रेंज में बेस्ट फोन्स कौन से हैं और किस पर्पज के लिए आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, तो उम्मीद दोस्तों है कि आपको वो वाला वीडियो भी आएगा पसंद। फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को भी तो लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।